हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम लोगों ने एक और टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन गाइस। तो ये टूर्नामेंट था मैजिक कप, तो वाटर बेस्ड था पूरा ये टूर्नामेंट गाइस। तो ये वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी लैग हो रही है, आगे जाके बढ़िया चलेगी। सो गाइस, इसके जो फाइनल्स में थे अपने दिव्यांशु भाई मतलब विक्रमादित्य और सामने करण ब्रो, तो इन दोनों के बीच में मैच हुआ था गाइस। और काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे मैच, और मुझे विक्रम भाई की टीम पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने जो पोकेमोन्स यूज़ किए थे वो एक्चुअल में वाटर पोकेमोन की वीकनेस थी गाइज। मतलब वो वाटर पोकेमोन थे बट वही पोकेमोन बाकियों की वीकनेस थी गाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जो पोकेमोन यूज़ किए हैं, हालांकि दोनों के पोकेमोन सेम हैं बट अटैक्स में डिफरेंस है गाइज। तो गाइज जैसे कि ये इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा है गाइज, तो यहाँ पर सभी को पता है कि वाटर टाइप पोकेमोन की वीकनेस क्या क्या होती है। तो आपका इलेक्ट्रिक टाइप हो गया, आपका ग्रास टाइप हो गया, तो ये दोनों तो बिल्कुल मेजर में आ जाती है। बाद में अगर आप ड्रैगन टाइप पोकेमोन रखते हैं तो वो भी अच्छा है, और पॉइजन टाइप रखते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि पॉइजन टाइप क्या होता है ना कि काफ़ी पोकेमोन्स पे हावी पड़ता है गाइस। तो अगर आजूमरिल आ गया तो आजूमरिल के लिए पॉइजन टाइप काफ़ी अच्छा है। बट अभी देखिए दोनों सेम टाइप पोकेमोन है, थंडरबोल्ट आ रहा है वहाँ से भी गाइस। तो यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट हुआ गया इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया गया था राणा जो है कि थ्रू हुआ था ब्रो। सो सबसे पहले राणा जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, क्योंकि इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो यार। और काफ़ी फेयर टूर्नामेंट हुआ है गाइस, मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई है, और जो भी प्रॉब्लम हुई वो इन लोगों ने आपस में सॉल्व भी कर ली गाइस। होता ये है गाइस कि जब टूर्नामेंट होता है तो ये टूर्नामेंट एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिमोटली मतलब हम लोग सब दूर दूर हैं गाइस, ठीक है, एक डिस्कॉर्ड एक तरीका जिससे कि हम लोग बात करते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स कभी कभार क्या है कि किसी की ट्यूशन चल रही है, किसी की क्लास चल रही है, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग चल रही है गाइस, तो मतलब इंपॉर्टेंट काम है, तो इसमें हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैच चल रहा है, मैच के दौरान फ़ोन आ जाते हैं गाइस, किसी को कहीं से फ़ोन आता है, किसी को कहीं से फ़ोन आ जाता है। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद उन चीज़ों को बैलेंस करना जो होता है यार, वो बहुत बड़ा काम होता है। वो राणा जो है ने किया पिछली बार अपने वर्चुअल मज़ा भाई ने किया था। सो गाइज बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ और काफ़ी मज़ा आया गाइज। मैं तो मतलब चेक करता रहता था कि क्या लिस्ट है, कौन विनर है, तो मैं इतना बीच में कभी आया नहीं, क्योंकि काम करने देना चाहिए, लोगों को अच्छा लगता है। सो गाइज सभी से बस इतनी सी गुजारिश रहेगी कि फटाफट से भैया वीडियो ख़त्म होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना राणा जॉय के लिए, और वेल प्लेड, सभी ने बहुत बढ़िया खेला गाइस, सभी ने बहुत बढ़िया खेला। और दिव्यांशु भाई पिछले वाले टूर्नामेंट में सेकंड आए थे और इस बार फर्स्ट आए, काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यांशु ब्रो एंड करण ब्रो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और लाइक वाइक कर देना यार, तुम्हारे दोस्त लोग हैं।